राधे राधे। हमको कैसे पता चलेगा कि हम मतलब पूर्ण शरणागति हैं और आपको कैसे मतलब पा सकते हैं? शरणागति तब पता चलेगी जब अपने मन में इच्छाएं होना बंद हो जाए। हमारे मन में जब तक इच्छाएं होती है ना, वो ऐसा कर दे वो वैसा कर दे, तब तक हमारी शरणागति पूरी नहीं है। हम पूर्ण शरणागत हो गए मतलब उनके हवाले बतन साथी। अपनी बुद्धि लगाना बंद, अब जो करेंगे वो करेंगे। जैसे कोई मान लीजिए पैर में चोट लग जाए किसी को, अब वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, बड़ी मेहनत पड़ रही है, तो सोचता है अरे क्यों चले, सामने पहलवान आ रहा है, ये पहलवान हमको उठा करके ले जाएगा। वो वर्क बंद कर देता है, बस अपना चुपचाप बैठ जाता है। अब पहलवान उसको उठा करके ले जा रहा है। बस ऐसे ही पूर्ण शरणागति का मतलब है अपना बुद्धि लगाना बंद कर दे, ठाकुर जी कृपा करेंगे अवश्य करेंगे ऐसा विश्वास कर ले तो ठाकुर जी कृपा कर देंगे। बस सीधा सा सिद्धांत ये। हमको कैसे पता चलेगा कि गुरु हमको अपनाए कि नहीं अपनाए? आपको सेवा करते रहनी है, ये सोचना ही नहीं है कि वो अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। अधिकारी हो जाएंगे तो अपना लेंगे, नहीं तो हमको तो मतलब है उनकी सेवा करने में, उनको सुख देने में, तो उनके सुख का प्रयास करते करते भीतर से निष्कामता आएगी। हम लोग अब तक सकाम है, सकाम का मतलब कामना युक्त, कामना रहित नहीं है। हमको प्रयास करना है कामना रहित होने का। अगर कामना हो भी तो श्याम सुंदर के सुख की कामना हो। आपको कल के विषय में बताया जाएगा ये सकाम और निष्काम का भेद डिटेल में, फिर आशा करूंगा कि आपको और स्पष्टता मिले। राधे राधे। सबके प्रश्न समाप्त हो गए, बाकी कल सब लोग प्रश्न तैयार करके आइए। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।